आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए ब्लॉग कानपुर चिड़ियाघर में। हेलो फ्रेंड, छोटे छोटे बच्चे आप लोग कैसे हैं? गर्मियों का सीज़न चालू हो चुका है और हमें मालूम है कि आप लोग अपने माता पिता से ज़िद करते होंगे चिड़ियाघर जाने के लिए, और शायद उन लोगों के पास में समय ना हो इसलिए आप लोगों को चिड़ियाघर नहीं ला रहे हैं। इसीलिए सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए छोटे जानवरों की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर और पशु पक्षियों की वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आइए हम चिड़ियाघर में आपको नए नए पक्षियों पशु पक्षियों से रूबरू कराते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत झूलों का प्रबंध अपने चिड़ियाघर प्रशासन के द्वारा किया गया है, और जो पार्क बनाया गया है इसमें छोटे छोटे बच्चे पूरे दिन अपना विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। कैंटीन की व्यवस्था की गई है, बहुत ही खूबसूरत पार्क का निर्माण किया गया है। पोल बाल्क है, बैलेंस द रोप है, कई चीज़ों का व्यवस्था की गई है। और इसकी टिकट जो है मात्र 30 रुपये, 30 रुपये में आज किसी भी झूले को कितनी भी देर चाहें झूल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत थीम पार्क, टायरों पे अपने बैलेंस बनाते हुए बच्चे झूल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पार्क का निर्माण किया गया है बच्चों को रोमांच के लिए। सबसे पहले हम प्रवेश कर रहे हैं बंदरों के कप्रिग्रह में, बंदरों के बाड़े में, जहाँ पे कई प्रकार के बंदर हमें देखने को मिलेंगे। छायादार उनकी व्यवस्था है और बहुत ही गमगीन अवस्था में बैठा हुआ बंदर। इस तरह के ये देसी बंदर हैं, ये हमको हर जगह मिल जाते हैं। खूबसूरत वातावरण, बड़ा हरा भरा वातावरण है। कैपुचिन बंदर बहुत ही छोटा बंदर होता है, जो कि एक छत पर ऊपर भ्रमण कर रहा है, बाकी बंदर आराम कर रहे हैं। इसके बाद में आपके आ जाए मुलाकात होगी रीसस बंदर, जिनको कि हम अपनी देसी भाषा में लंगूर भी कहते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से पेड़ों पर आराम फरमा रहे हैं। ये खाने पीने का इंतजाम है पूरा, और पेड़ों में आराम से लेटे हुए हैं देसी लंगूर। हनुमान बंदर, चिड़ियाघर में बहुत ही अच्छा तोता ग्रह भी है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के तोते हैं, देख सकते हैं आप विभिन्न प्रकार के तोते हैं। में कई प्रकार के तोते हैं, रंग बिरंगे हैं, और इनके घोंसलों का इंतजाम बहुत ही सुंदर तरीके से मटके से किया गया है, और एक ही बाड़े में कई तोते बंद हैं। आराम फरमाता हुआ अपने तू हैं राजकीय गिद्ध और चील की तरफ जली पक्षी देखने के लिए, जिसका रास्ता जब हम बाहर से आएंगे हाँ। तो राइट हैंड पे जो आपका है बंदर हाउस है, इसके बाद में जो आप राइट हैंड की तरफ आप जो टर्न करेंगे तो आपको राजकीय गिद्ध, राजकीय पक्षी, इनको ये देखने को मिलेंगे। बंदर भारत के सदाबहार वन में पाया जाता है, और ये देसी बंदर की तरह ही देखने सुनने में होता है। इस समय लगता है वह आराम कर रहा है बंदर। खुले वातावरण निवास करते हुए, विचरण करते हुए हमारे देसी बंदर, जो कि चिड़ियाघर में बहुतायत में घूमते फिरेंगे, आप लोगों को इनसे सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये लोग अगर हाथ में कोई भी चीज़ देख लेते हैं तो उसको छीन लेते हैं, और इसके बाद कुछ मांगने पर ही वो देते हैं। चारों ओर ये बंदर आपको खुले में मिल जाएंगे।
बहुत ही खूबसूरत वातावरण है अपने चिड़ियाघर का। आप मधुर आवाज़ सुन रहे होंगे इस समय, जो आवाज़ आ रही है मोर की, बहुत ही सुंदर आवाज़। वही है ये। मोर का बहुत ही सुंदर डांस, ये राष्ट्रीय पक्षी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसका बहुत ही खूबसूरत डांस कर रहा है, नाच बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मोर के डांस करने का। बहुत ही खूबसूरत ढंग से मोर नाच रहा है। बहुत ही खूबसूरत है, पीले पीले फूलों से लदा हुआ। बहुत ही सुंदर वातावरण है हमारे कानपुर चिड़ियाघर का। और राजकीय पक्षी सारस, सारस तो इस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आरिफ गुर्जर और सारस के बीच की दोस्ती की वजह से सारस इस समय बहुत ही चर्चित है और बहुत ही फेमस है।